दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज से हम लोग पर डे करंट अफेयर्स अपलोड करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, आज है 2 सितंबर और कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। देखिए पहला है डोमेस्टिक का नया अध्यक्ष कौन बना है, तो वो बना है फ्रेंड्स श्रीलंका बना है। देखिए बात करते हैं डोमेस्टिक की, तो पहले इससे पहले वाले करंट अफेयर्स में मैं आपको बता चुका हूँ कि डोमेस्टिक जो है वो टोटल 7 देशों का समूह है और इसका जो सम्मेलन होने वाला था वो नेपाल के काठमांडू में होने वाला था। नेक्स्ट है फ्रेंड, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को किसने लॉन्च किया। देखिए इसे लॉन्च किया हम लोगों के पीएम जो है वो नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। देखिए ये जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक था ये पहले से हम लोगों में लॉन्च था, लेकिन अब इसे पूरे देश में लॉन्च किया गया। पूरे देश का मतलब है हर ज़िले में लॉन्च किया गया। देखिए कारण क्या है कि गाँव के अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ सकें। अब बात करते हैं पेमेंट बैंक और नॉर्मल बैंक में अंतर क्या होता है। देखिए पेमेंट बैंक में ये अंतर होता है कि देखिए हम लोग 1 साल तक केवल 1 लाख तक का लेन देन कर सकते हैं इस बैंक से, और जो नॉर्मल बैंक है उससे हम लोग कितना भी चाहें लेन देन कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, विनय कुमार को किस मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया। तो दोस्तों उन्हें जो है वो सचिव नियुक्त किया गया है इस्पात मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का जो है वो सचिव नियुक्त किया गया। अब बात करते हैं इस्पात, तो हम लोग ये भी जान लेते हैं कि हम लोग के इस्पात मंत्री कौन है, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, हाल ही में एशियन गेम 2018 में कार्ड गेम में किसने पदक जीता। तो फ्रेंड्स वो जीता है प्रणब और शिवनाथ ने, और वो भी गोल्ड मेडल जीता है। फ्रेंड्स बात करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, क्योंकि इस बार एशियन गेम में पहली बार ये कार्ड गेम को शामिल किया गया है, इसलिए फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार शामिल हुआ है और इस पर प्रणब और शिवनाथ ने भारत की तरफ से गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। देखिए आरबीआई ने भीलवाड़ा बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। ये कहाँ था फ्रेंड्स, ये था राजस्थान में था। देखिए आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 1935। इसका मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स, बम्बई में है। और इसके गवर्नर कौन है, उर्जित आर पटेल। और कितने मतलब कौन से नंबर के ये गवर्नर है फ्रेंड्स, तो ये हैं फ्रेंड 24वें नंबर के गवर्नर। नेक्स्ट है फ्रेंड, मिल बाचे कार्यक्रम किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है। तो वो आयोजित किया जा रहा है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में। अब बात करते हैं कि ये मिल बाचे कार्यक्रम है क्या। देखिए स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो किताबें पढ़ने की हैबिट को डेवलप करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, ये कार्यक्रम तो मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश की सीएम है शिवराज चौहान और उसकी कैपिटल है भोपाल। नेक्स्ट है फ्रेंड, हाल ही में भारत और किस देश के बीच रेल लाइन पर समझौता हुआ। तो दोस्तों वो हुआ है भारत और नेपाल के बीच अभी जो है रेल लाइन पर समझौता हुआ। बात करते हैं फ्रेंड्स नेपाल की, तो नेपाल की जो कैपिटल है वो काठमांडू है, प्रेसिडेंट है वो विद्या देवी भंडारी हैं और प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की 2 सितंबर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकती थी वो मैंने आपको बता दी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।